यहाँ के कानून हमारे हैं और कायदे भी। You're married to the game now, so please be loyal in this relationship. Welcome to Maidan. हेलो दोस्तों, नमस्कार गाइस। तो फाइनली आइए जानते हैं इंडियन बॉलीवुड सिनेमा हाल के एक और इसी मच अवेंटेड व न्यू अपकमिंग मूवी क्रैक, जिसका टाइटल नाम है क्रैक जीतेगा तो जिएगा। इस जिस न्यू अपकमिंग मूवी का इंतज़ार इंडियन बॉलीवुड सिनेमा हाल के दर्शकों को बहुत ही बेसब्री के साथ था, और अब फाइनली इसी मच अवेंटेड व न्यू अपकमिंग मूवी का इंतज़ार अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको बॉलीवुड एक्शन स्टार कहे जाने वाले विद्युत जामवाल अपने एक और एक्शन के साथ इसी न्यू अपकमिंग मूवी में धमाल मचाने के लिए अपने इसी ट्रेलर के साथ आ गए हैं, जिसका बीते दिनों बहुत ही धमाकेदार ट्रेलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आउट किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के ट्रेलर को आप लोगों ने नहीं देखा है तो YouTube चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, जो कि एक्शन से भरपूर ये मूवी अपने आप में बहुत ही कमाल और धमाल की होने वाली है। इंडियन बॉलीवुड सिनेमा हाल के माने जाने डायरेक्टर आदित्य दत्त के निर्देशन में इसी न्यू अपकमिंग मूवी को बनाया जा रहा है, जो कि ये मूवी फुल एक्शन से भरपूर होने वाली है। वहीं विलन के रोल को लीड करने वाले दमदार एक्टर की बात करें तो अर्जुन रामपाल अपने दमदार और ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ विलन के रोल को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं इसी मूवी में, जो कि अर्जुन रामपाल को काफ़ी दिनों बाद इसी मूवी में विलन के रोल को लीड करते हुए देखा जा रहा है। वहीं सपोर्टिंग रोल को लीड करने वाली दमदार एक्ट्रेस की बात करें तो आपको इसी मूवी में नोरा फतोही जैसी डांसर और एमी जैक्सन जैसी बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा अपने एक्टिंग से चार चांद लगाने वाली हैं, जो कि मेन हीरोइन के लीड रोल में आपको नोरा फतोही देखने को मिलेंगी। वहीं पुलिस अफसर के रूप में आपको एमी जैक्सन विद्युत जामवाल की मदद करती हुई दिखाई जाएगी। जिस न्यू अपकमिंग मूवी का शूटिंग शेड्यूल का लगभग 95% भाग शूटिंग कर लिया गया है, जिसकी जानकारी इसी मूवी के मेकर्स द्वारा आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाता रहा है। और दोस्तों, एक्शन की बात करें तो इसी मूवी में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर व सस्पेंस जैसे सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। और वहीं अगर इसी मूवी के कंफर्म रिलीज डेट की बात करें तो आपको यह मूवी इसी महीने के 24 तारीख को इंडिया